नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीधी जिले में लगातार कहीं ना कहीं ऐसे वारदात सामने आ रहे हैं जहां आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर के चलते अब हॉस्पिटलों में मरीजों से ऐसी अभद्रता और व्यवहार किए जा रहे हैं कि मरीज अब डॉक्टरों पर से विश्वास खो बैठे हैं। जहाँ आप लोगों को बता दूँ कि डॉक्टर और मरीज के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है कि कहीं ना कहीं आपस में लोगों का एक नाता ऐसा बनता है कि भगवान और दास का होता है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जब कोई भी मरीज को जब डॉक्टर ठीक करता है उस दौरान कहीं ना कहीं इस डॉक्टर को जो इंसान होते हैं, जो पीड़ित परिजन होते हैं, जो पीड़ित होता है वो भगवान समझ बैठते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है सीधी जिले में जहाँ आप लोगों को बता दूँ कि डॉक्टर आलोक द्विवेदी के द्वारा एक व्यक्ति से, जो कि हमने ये नहीं कहते कि वो सही कह रहा है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन एक परिजन और पीड़ित दोनों मिलकर डॉक्टर आलोक द्विवेदी के ऊपर एक ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जो आप लोगों को बता दूं कि इस आरोप में सामने देखने को मिलेगा कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें मरीज को ठीक होने से पहले ही मरीज को छुट्टी दे दी जाती है, और दूसरी बात कि इसी पर पैसे की भी डिमांड की जाती है कि मुझे कुछ पैसे अगर दो तभी ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो जल्द से जल्द छुट्टी कर दूंगा और ये हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूंगा। सुनिए ये परिजनों का बयान। मेरा नाम प्रेमलाल विश्वकर्मा सर। कहाँ के रहने वाले? बम्हनी। क्या पूरा मामला है? मामला सर ऐसा है कि 17 तारीख को 16 या 17 के दरमियान रात 12:20 पर सर 5 लोग हमारे घर में घुसे, गए तो कई बार खटखटाए और हम उठे तो हम सब उनसे घोराए कि कौन है, तो नहीं बोले सर। हम सोचे कोई कुत्ता बिल्ली होगा आया होगा, तो मैं किवाड़ खोला सर। किवाड़ खोलने के बाद वो हमारे 5 लोग अंदर घुस गए, हमारे ढोसे सर, तो मैं गिर गया। यहाँ मेरे पैर में लाठी बजी है जो कि सर ये खून लगा है ये यहाँ, और फिर हम लाठी पकड़े सर तो यहाँ आँख माँ अंगूठी में चाबी दी थी, हाथ भी छूट गया सर। इसके बाद हल्ला गुहार मारे तो हमारे आस पड़ोस के आदमी दौड़े तो लोग छोड़ के भाग करे, कहे रोग मादरचोद अभी तो बच गया है, दोबारा तेरे को जान से मार दूंगा। इसके बाद सर सवेर रात भर किसी तरह मैं अब पूरे चारों तरफ घेरे थे सर, मैं रात में 12:20 में हम 100 नंबर लगाए, 4 बार लगाए सर, बोले कि आ रही है, सुबह तक नहीं आई सर। सुबह मेरी बड़े भैया की पतोहू ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी गोबर उठा रही थी, तो वो लोग 4-5 लोग छुपे थे, बाड़ी कूद के आए तो उसको पीटने लगे, और उसकी शीला राजीव विश्वकर्मा की पत्नी वो शीला विश्वकर्मा वो बांको ले रही सर, तो मार दी तो उसके सर फट गया। और इसके बाद सर जो कि मेरे पास वो उसका फ़ोटो है सर, वो खींच के रखे हैं और मोबाइल में करके भेजे थे, ये लड़का बम धारदार औजार है और हर जरबा काटने के लिए सर वो बनाया जाता है जी। तो वहाँ से ले आए सर, पुलिस में पुलिस वाले बोले कि फिर सवेरे हम 7-8 बार लगाए सर 100 नंबर, नहीं आई 100 नंबर। 11 बजे के लगभग खुद जीप करके अपने पर्सनल जीप बुक करके और लेके आए चौकी। चौकी आए बोले रिपोर्ट नहीं लिखे, एमएलसी के लिए भेज दिए सर सिमरिया, बोले कि ले जाओ पहले एमएलसी कराओ, इसका हालत बहुत ख़राब है। मैं लेकर चला गया सर सिमरिया गए, वहाँ दिखाए, वहाँ से डॉक्टर जो है गोली दवाई की है, इसके बाद रेफर कर दिए सीधी के लिए। सीधी में 17 तारीख को लगभग 3:30 बजे के लगभग सर 4 बजे सीधी में भर्ती करा दिए, जिसका सिटी स्क्रीन और सब वो एक्सरे हुआ, एक्सरे करा के इसके बाद भर्ती कर दिया सर। 1-2 दिन भर्ती थी, तीसरे दिन आलोक द्विवेदी जी, डॉक्टर आलोक द्विवेदी वो छुट्टी दे दी, बोले कि ऐसा द्विवेदी ही आपके मरीज को देख रहे थे? हाँ जी सर, वो ही देख रहे थे सर, पहले सोनी जी कोई करके थे सर। तो इतनी महिला कितनी खराब होती है, छुट्टी कैसे देती? छुट्टी सर वो बोले कि तुम लेके जाओ इसको घर, तो बोले कि सर इसकी अब सर में इतनी चोट लगी है इसको दिखता नहीं है, झिलमिल दिखता है, बोले ऐसा करो तुम बेड खाली कर दो और जाओ मुख्यमंत्री से तुम मेरी शिकायत कर दो। हाँ। और सीधे वो कर दो, अब निकाल के सब वो कर दिया सर। जिस बोल रहा था ये आलोक डॉक्टर आलोक द्विवेदी जी जी सर। इसके बाद सर उसको मैं लेके चलने लगे, फिर उसको चक्कर मारो गिर पड़ी, फिर लेके आए सर, तो खरे साहब को मैं देखा वो लेके गए तो थे नहीं, फ़ोन से बात हुई सर तो बोले कि चलो ले जाके भर्ती कर दो, ले आके भर्ती करवाया फिर सर। आज चालू है उपचार? चालू नहीं है सर, आज फिर आलोक द्विवेदी जी आए और बोले कि इसकी आँख फट गई है, ऐसा करो कि इसकी नली डाल दो,
और उस पर्ची में लिखे सर कि इसको लेके जाओ तो सोनोग्राफी करवाओ बाहर, एक्सरे कराओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या हॉस्पिटल में वो सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है? अब पता नहीं सर, जो अगर ना होती तो काज हमको क्या पता सर, और तो डॉक्टर हैं वो बता सकते हैं। आपको बाहर भेज रहे हैं? हमको बाहर बोले कि लेके चले जाओ यहाँ से, है नली उसके बोले कि इसकी आँत फट गई है, इसके पूरे हाथ नली डाल दो। नली आज अभी भी सर बेड पर रखी है सर, चल के उसको मायना करने की सही बात है। और जितने वहाँ मरीज हैं सबसे आप पूछ लीजिए सर, अगर मेरी बात कोई आप सर अभी वो उनके साहब अधिकारी के पास गए थे मैं वहाँ, वो बोले फ़ोन किए हैं उनको। अब हमको ये है सर कि अब उनके अधिकारी के पास गए थे, अब सर मान लीजिए हो सकता है कि वो जहर की इंजेक्शन दे दें, हमको डर इस बात का है। बना हुआ है जी, हमको भरपूर डर बना है सर। क्या मरीज की स्थिति नली डालने की है? नहीं सर, इसके बावजूद भी नहीं, इसके बाद भी वो नली डालने की तैयार है, बोले रखी है सिस्टर को, बोले तुरंत इसके नली डालो। चला कि पैसे की बीमा कर रहे थे? पैसे एक आदमी आया था सर, पर जिस दिन कल छुट्टी दिया उसके छुट्टी देने के 15 मिनट पहले सर आया, बोले ऐसा करो कि 5-6 हज़ार रुपये डॉक्टर साहब को दे दो नहीं तो छुट्टी कर देंगे। तो बोले कि सर अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं किसी प्राइवेट में ले जाता, गरीब आदमी कहाँ पाए, बंद मजदूरी करने हम लोग मजदूरी करते हैं, किसी तरह अपना पेट पालन करते हैं सर, कम से कम कोटे में गल्ला मिल जाता है इसलिए हम लोग का भोजन चल जाता है, पैसा कहाँ पाए इतना। तब ये तो कहने के बाद वो चले गए, जस्ट 10 मिनट बाद सर आलोक डॉक्टर आलोक द्विवेदी जी आए, पैसा देते तो आप एडमिट किए रहते सर। जी सर, अब हमको तो यही शंका है सर कि कहीं इंजेक्शन जहर की इंजेक्शन न दे दें, कुछ न कर दें कि मेरे जान भी जान। दूसरे डॉक्टर से आप? जी सर, हमारा दूसरा किसी कहीं रेफर कर दें, दूसरा डॉक्टर हमारा दवाई कर दे, उनसे हमसे बहुत नहीं करवाना चाहते सर, हमको डर है सर कि कहीं कुछ कर देंगे तो इंजेक्शन लगा दे जहर वहर के मर जाएगा। महिला के पति ये बृजेंद्र विश्वकर्मा है सर, ये बॉम्बे में रहता था, मजदूरी करने गया था, मारने के जिस दिन मारे हैं उसके तीसरे दिन अभी आया सर ये लड़का। तो कहना चाहिए आप प्रत्यक्षदर्शी भी हैं? जी सर, जी सर, प्रेमलाल विश्वकर्मा सर, ग्राम पोस्ट बम्हनी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। बताना चाहूँगा कि इस मामले में वहाँ के सिविल सर्जन SB खरे और वहीं के IG गुप्ता सीमाचो अधिकारी से भी बात की गई, जहाँ की उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी तक ये मामला जो है तो मेरे संज्ञान में नहीं था, आप लोगों के ही द्वारा मुझे ये पता चल पाया है, जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। सुनिए वहाँ के अधिकारियों का बयान। और मरीज के बीच में और उनके परिजन के बीच में ये दुर्व्यवहार का मामला सर सामने आ रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो परिजन है या फिर पीड़ित है तो डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देखता है, लेकिन जो सामने बार बार ऐसा मैटर सामने आ रहा है सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये अभी तो आपके द्वारा हमें पता चला है और उनके मरीजों के द्वारा इस तरह से बोला गया है, और हम डॉक्टर साहब से भी बात करें कि क्या इस तरह से आप बोले हैं, अगर ऐसा बोले हैं तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, उस संबंध में मैं उनसे चर्चा करूँगा। सर इसके पहले देवेंद्र सिंह डॉक्टर का भी सामने एक महिला का कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ था, गाली गलौच भी हुई थी, और उनको बार बार ये कहा जाता है कोई भी उनके पास मरीज पहुंचता है तो उनका कहना ये रहता है कि आप हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आइए, हम ट्रीटमेंट आपका करेंगे। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खुद सरकारी खुद खोल कर वहाँ बुलाए तो ये सर क्या है? नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब जो मरीज आता है तो अपने अस्पताल में दिखाता है, सरकारी अस्पताल इसीलिए बना हुआ है। अब ये तो आप बोल रहे हैं, अब उनसे भी हम कमेंट लेंगे तब पता चलेगा असलियत क्या है, या आप बोल रहे हैं वो सही है कि मरीज जो बोलता है वो ये कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह क्या बोलते हैं तो पता चलेगा क्या है। वैसे तो सब सरकारी अस्पताल में पदस्थ है, वो जो मरीज जाता है अस्पताल में सब ट्रीटमेंट होना चाहिए। धन्यवाद, अभी तक आप देख पा रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, नमस्कार, जय हिंद।